गाइस, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में एक हैकर्स ने जर्मनी के रक्षा मंत्री उर्सुला वन डेर लेन की फिंगरप्रिंट्स को केवल उनकी एक तस्वीर का उपयोग करके हैक कर लिया। जी हाँ, सुनने में तो बिल्कुल अजीब लग रहा है, लेकिन यही सच है। ये वही हैकर्स है जिन्होंने आईफोन 5S के लॉन्च होते ही मात्र 24 घंटे के अंदर फोन की फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन को मात दे दी थी। स्टारबक के नाम से जाने जाने वाले इस हैकर्स का नाम जॉन क्रिसलर है। जॉन क्रिसलर ने हैमबर्ग में केओस कंप्यूटर क्लब यानी कि CCC की 31वीं वार्षिक कांग्रेस में उपस्थित लोगों को बताया कि कैसे उसने इस हैक को हासिल किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मानक फोटो कैमरा का यूज करते हुए रक्षा मंत्री के अंगूठे की एक हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीर प्राप्त की, जिसके बाद उन्होंने वेरीफिंगर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके एक सटीक फिंगरप्रिंट का पुनर्निर्माण किया। CCC के अनुसार फिंगरप्रिंट सुरक्षा प्रणालियों के बेवकूफ बनाने के लिए यह सॉफ्टवेयर काफी अच्छा है। CCC ने यह भी कहा कि इस नॉलेज के साथ अब उंगलियों का निशान वाली वस्तुओं को चोरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, जिसका अर्थ है कि लोग संभावित रूप से सोशल नेटवर्क पर खींची गई तस्वीरों से किसी की भी फिंगरप्रिंट का पहचान चुरा सकते हैं। एग्जाम्पल देने के लिए स्टारबक हैकर्स ने कहा, अब मंत्रियों को सार्वजनिक रूप से मीटिंग करने के लिए ग्लव्स यानी कि दस्ताने को पहनना अनिवार्य होगा। यानी कि अब दुनिया में ऐसे भी हैकर्स आ चुके हैं जो किसी के भी तस्वीर को देख के उनके फिंगरप्रिंट्स का वेरिफिकेशन को चुरा सकते हैं। यानी कि अब हमें भी दस्ताने यानी कि ग्लव्स पहन के घूमना पड़ेगा। तो गाइस, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।